इन दिनों धनबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए एसएसपी ऑफिस से मात्र 300 किलोमीटर दूरी पर दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है। धनबाद सदर थाना के क्षेत्र के एसएसपी ऑफिस से मात्र 300 मीटर की दूरी पर लिंडसे क्लब के पास दो बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े 1,20,000 लूट कर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। उक्त व्यक्ति हीरापुर बैंक से पैसे निकाल कर अपने घर जा रहा था और जैसे ही ये पहुंचा तो पीछे से आए दो युवकों ने उसके पैसे लूट लिए और फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला लिख लिया है और खोजबीन के लिए जुट चुकी है। वहीं बरमसिया से पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में भी लिया है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। खबर क्यों मारा उसका जवाब भी पूछा जाएगा। है ना, हमको कुछ नहीं पता है, हम क्या बता, अभी आदमी से भेजते नहीं। याद है सर, ये नोटिस दिखाता है, ठीक है। पिताजी एसबीआई बैंक गए कोर्ट ब्रांच में, जो कोर्ट में है ब्रांच, उसमें गए 1,00,000 रुपए निकाले पिताजी हमारे। 1,00,000 निकालने के बाद ये लोग लड़का लोग पीछा लग गया बैंक से ही, और उसके बाद लिंसे क्लब के पास जो महेंद्र चाय का दुकान है वहां से 1,00,000 रुपए छीन लिया गया पापा के हाथ से, और उसके बाद ये लोग अभी पकड़ाया है बरमसिया पुल पे। इन लोगों को कैसे पता चला कि 1,00,000 रुपया पापा निकाल रहे हैं? ये लोग वहाँ पापा को वॉच कर रहा होगा, उसके बाद ही तो पता चला। ऐसे तो कोई जान नहीं सकता है कि कैसे, मतलब कौन 1,00,000 निकाल रहा है। कैसे पकड़ाए हैं ये लोग को? बरमसिया पुल पे प्रशासन ने पकड़ा है। हाँ, ये लोग बाइक से था और प्रशासन को इन लोगों ने पैसा भी देने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन प्रशासन उनको पकड़ के रखे थे। धनबाद से अली की रिपोर्ट।